यहोवा बुराई वही करते हैं, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 1 जनवरी दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन शनिवार है, शनिदेव महाराज की दिन है, शनिदेव महाराज की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं पुरुषों को महिलाओं के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पुरुषों को संयम से काम लेना चाहिए। यदि आप श्रेय के मामले में लालसा रखेंगे तो आप स्त्री से कभी सम्मान नहीं ले पाएंगे। स्त्री से मिलने वाले सुख और प्रेम का सम्मान हमेशा करना चाहिए। स्त्री को जबरदस्त प्राप्त करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए और जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान नहीं करेगा उसे भविष्य में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप स्त्री का सम्मान करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास भी रहेगा और आप कभी सुख और प्रेम का भोग नहीं कर पाते हैं और कर पाएंगे और कार्य उत्तम होगा। घर वालों को कुतूहल का माहौल रहेगा, समाज में आपको सम्मान भी नहीं मिलेगा। जिस कारण वंश चाणक्य जी कहते हैं कि पुरुषों को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। चाणक्य जी के अनुसार मनुष्य को धन संबंधित मामलों में भी हमेशा संयम बरतना चाहिए और धन के कमाने के लिए हर मनुष्य को अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। जल्दबाजी के लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं और धन से जुड़ी बातों को लेकर कभी किसी को साझा नहीं करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं धन संबंधित सभी जानकारियों को गुप्त रखना चाहिए और धन को जल्दबाजी में लेने के लिए कभी किसी को गलत रास्ते पर न करें। और मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 1 जनवरी दिन चल रहा है, शनिवार तिथि चल रही है, त्रयोदशी नक्षत्र चल रहा है, विशाखा ऋतु चल रहा है, शिशिर पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 7:48 पर और सूर्यास्त होगा 4:12 पर। आज तुला राशि वाले लोगों का शुभ समय 9:12 से 12:36 तक। आज का अशुभ समय 2:16 से 3:38 तक। आज तुला राशि वाले लोगों के शुभ भाग्यशाली संख्या 4 है और भाग्यशाली दिशा पश्चिम है और भाग्यशाली रंग मेहरून है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि कानूनी के मामलों की वजह से तनाव मुमकिन है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और कोई ऐसा इंसान जिसके मन में आपके लिए गलत मामला थी आज मामला निपटाने का दिन रहेगा और सुलह करने का दिन रहेगा। आज आप अपने दोस्त की महक की उपस्थिति महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्रों में आज का दिन आप काम में प्रगति रहेगी। अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें खो जाने या चोरी हो जाने की संभावनाएं होंगी और जीवन साथी के साथ एक आरामदायक दिन बीतेगा और आज भागदौड़ भरे दौर रहेंगे। हम अपने परिवार को कम समय दे पाएंगे लेकिन परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का आमदायक मौका रहेगा और अपने शरीर की थकान मिटाने या ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए काफ़ी आराम की जरूरत रहेगी। आपका प्रबल आत्मविश्वास आज का दिन आसान कामकाज मिलाकर आपको कूपे आराम की एक वक्त देगा और आपको आर्थिक स्थितियों में लाभ मिलेगा। दूसरों के लिए एक आदर्श बनेंगे और कर्मजोश दूसरों की मदद इच्छाओं के साथ मानवीय मूलों को खुद को सजोना होगा। इससे आपके जीवन में अच्छा तालमेल पैदा होगा और आज रूहानी प्यार में मदहोशी महसूस होगी और आज का दिन उबाऊ हो सकता है, इसलिए कोई रचनात्मक कार्यों में दिल लगेगा और आज का
सारा दिन प्यार भरा महसूस होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे और दूसरा है कि राशि एक शुक्र के दिन होने वाली है। यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी और बिजनेस के मामले में लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और निवेश बीमा शेयर मार्केट में भी लाभ मिलेगा। लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें, अविवाहित के विवाह की इस दिन बात बन सकती है और अविवाहित के विवाह की इस दिन कुछ कार्य होंगे, कार्य उत्तम होंगे। शुक्र ग्रह संबंध वैभव प्रतिपर्यंत नौरस होगा, इसके कारण तुला राशि वाले जीवन में अनावश्यक परिवर्तन होंगे और इनका जीवन खूब अच्छी तरह चलेगा और स्वयं तराजू की बात ऊपर नीचे हुआ करते हैं। तुला राशि वाले आज खर्च से बचें और फालतू कहीं न जाएं और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और आज का दिन सगे संबंधित व पुराने मित्रों से मिलने की मुलाकात हुई होगी और आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पहले से चली आ रही कोई बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कहीं जल्दबाजी में बनती बात बिगड़ न जाए और व्यापारिक के सहभोगी अनुकूल होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती होगी और लव पार्टनर की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट मिलने की संभावना होगी। प्रेम संबंधों में तब्दील होगी और आज का दिन दबते जीवन में थोड़ी कठिनाइयां भी आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन होगी और दूसरों का ख्याल रखें, अन्यथा लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और दोस्तों मदद के अटके काम पूर्ण होंगे। कुछ आपको चिंताएं भी लगी रहेंगी, खासकर संतान पक्ष से कुछ चीजों को लेकर तनाव हो सकता है और आपको अपनी सेहत का खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। आज कुंभ राशि वाले जातक आपकी मदद काफी करेंगे और आज के सफलताएं होंगी। पारिवारिक में किसी बात को लेकर अनाव हो सकता है और आपको उत्तम होंगे, ऐसी स्थितियों में आपको शबार होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा सोड़ा समय मध्यमिक होंगे और महिलाओं की अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत तो होंगे। तमाम तरह की चुनौतियां आएंगी और परेशानियों के बावजूद जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। लव पार्टनर के समय अच्छा बिताने का मौका रहेगा और आज का दिन अनुकूल होगा। काम में कुछ देरी महसूस होगी, पारिवारिक के सहयोग प्राप्त होंगे, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा और दूसरों की सहायता करेंगे, रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। रिश्तेदारों से मिलना होगा, जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता प्रेरण होगी और वही आर्थिक स्थितियों में वृद्धि होगी। अगर आपके बेवजह खर्च करेंगे तो उसे कार्य उत्तम होगा और धार्मिक कार्यों में सभी के पारिवारिक अशांति मिलेगी, विशेष कार्य पूर्ण रखें। मित्रों यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।